इस वक्त की बड़ी खबर है रीवा से, जहां टीआरएस कॉलेज के तीन पूर्व प्राचार्य को जेल भेजा गया है। तीनों प्राचार्य के ऊपर करोड़ों रुपए की अनियमितता का आरोप लगा है। पूरे अनियमितता की जांच ईओडब्ल्यू के द्वारा की जा रही थी। ईओडब्ल्यू के द्वारा 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें पहले चालान में पूर्व प्राचार्य डॉक्टर रामलला शुक्ला, पूर्व प्राचार्य समी उल्ला खान उर्फ एसयू खान और डॉक्टर सतेंद्र शर्मा शामिल हैं, जिन्हें न्यायालय ने जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि पूरक चालान में 16 अन्य लोगों का चालान पेश किया जाएगा। ईओडब्ल्यू की टीम की तरफ से प्रवीण कुमार विवेचना कर रहे थे। आपको बता दें कि जन भागीदारी निधि का बंदर बांट करने का आरोप 19 लोगों पर लगा है, जिसमें 3 करोड़ रुपए अकेले डॉक्टर रामलला शुक्ला के द्वारा हजम किया गया है। 2009 से 2020 के बीच में लगभग 15 करोड़ की वित्तीय अनियमितता हुई है। उक्त प्राचार्य ने समिति के बिना अनुमोदन के ही विभिन्न प्रयोजनों के तहत भुगतान किया था, जिसकी शिकायत मिलने पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है। बताया जाता है कि तीनों पूर्व प्राचार्य ने जमानत का प्रयास किया, लेकिन जमानत नहीं मिली, जिसके चलते तीनों पूर्व प्राचार्य को जेल भेज दिया गया है। सभी मीडिया में हाँ भैया थोड़ा पीछे से रहना, शॉर्ट अंदर तक का ले जाने को बनाएंगे। फोन कर देंगे सबका बोल देंगे हमारी चलो मनीष हो गए नहीं। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ का रीवा में वर्ष 2020 में अपराध क्रमांक 32/20 पंजीबद्ध हुआ था। अपराध मूलतः अवैधानिक अध्यादेशों के माध्यम से तत्समय पदस्थ प्राचार्यों द्वारा करोड़ों रुपए का मानदेय एवं पारिश्रमिक स्वयं प्राप्त किया गया। अन्य प्राचार्यों पर प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों एवं अन्य जो उनके कर्मचारीगण हैं उनको भी अवैधानिक लाभ पहुंचाया गया, जिसमें 19 लोग नामजद मुलजिम बनाए गए थे एवं अन्य व्यक्ति भी शामिल थे। इसका आज पहला अभियोग पत्र जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, डॉक्टर रामलला शुक्ला, डॉक्टर एस एन शर्मा और डॉक्टर एस यू खान के विरुद्ध आज अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया तीनों के पक्ष में, और तीनों ही तत्कालीन प्रचार थे भूतपूर्व। इस पे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की तरफ से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी
श्री सचिन द्विवेदी द्वारा पैरवी की गई और माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा इस पर अपना निर्णय सुनाया गया। माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार इनको 10 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके पालन की कार्रवाई की जा रही है। ठीक है।